जामताड़ा के कर्माटांड थाना इलाके के डुमरिया का रहने वाला शातिर साइबर अपराधी अर्जुन दास जामताड़ा पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे जामताड़ा थाना इलाके के कास्तपाड़ा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधी महाराष्ट्र के सिक्योरिटी गार्ड वेंकटेश्वर राव के खाते से 3,70,000 रुपए उड़ा चुका है। जामताड़ा थाना कांड संख्या 159/16 जो ओरियंट इंडस्ट्रीज कंपनी के विरुद्ध दर्ज किया गया था, इस मामले में 3 लोगों के पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त परवेज आलम, कमाल कौसर और सलीमुद्दीन अंसारी है। उसी कड़ी में आज 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम क्रमशः मंजूर आलम और महफूज आलम है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जो गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, जिसका नाम मोईज आलम है। ये लोग कौन लोग थे सर? ये लोग ये ओरियंट इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी बनाए थे, जिसके ये लोग अपने आप को डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इस तरह के पद धारण किए हुए थे। कितना का ये लोग ठगी का मामला है? 12,40,000 का मामला है जो ठगी किया गया है। आवेदक के द्वारा 12,40,000 रुपये ठगी का मामला दर्ज कराया गया था वर्ष 2016 में। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।